सर देखिए, मेरी एक साहिल नाम की लड़की से बात हुई थी इंस्टाग्राम पर। उसके मतलब मेरे को जॉब की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने जॉब के लिए मेरे को अलवर बुलाया था। अलवर बुलाने के बाद में उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया, ज़बरदस्ती की, फिर उनके दोस्तों के साथ और भी मेरे साथ दुष्कर्म किया। चार लोग थे वो लोग, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने FIR करवा दी उनकी 5 तारीख को, लेकिन अभी तक पुलिस ने उनको अरेस्ट ही नहीं किया है। मैंने SP के साथ भी, SP को भी एप्लीकेशन भेज दी, उनसे मिल भी आई, अभी BJP कार्यालय भी जाके आई हूँ वहाँ पर अभी कोई भी कर्मचारी नहीं है अभी वहाँ पर, तो मैं अभी यहाँ पर आई हूँ। तो मैं सर चाहती हूँ उनको अरेस्ट करवाना चाहती हूँ मैं, और उनके जो एक तो रवि सैन है, एक हमारे समाज के हैं, जो मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, मेरी मम्मी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, मेरे को ना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है बहुत बुरी तरीके से, ना तो कुछ बोलने देते हैं ना बाहर, मतलब कुछ भी नहीं करने देते। और साहिल का पिताजी भी हैं शाहबुद्दी खान, और इनमें से कोई हमारे समाज के साथ एक विजयराम मीणा का कोई है जो बहुत परेशान करता है, ये सब मिलकर के नहीं बहुत परेशान करते हैं। सर मैं बस यही चाहती कि उन लोगों को सजा मिले, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए उन लोगों से। आरोपी कहाँ के हैं? अलवर के हैं सर। और आप कहाँ के हैं? मैं जयपुर की हूँ सर। अलवर कैसे पहुँचे? अलवर मुझे साहिल ने बुलाया था। कौन है साहिल? ये साहिल खान एक दोस्त था मेरा, जो इंस्टाग्राम पे बात हुई थी कुछ ही दिन पहले मेरी। घटना से कितने दिन पहले वापस आ गए? करीबन 5-10 दिन पहले की बात थी मेरी। ठीक है, क्या क्या बुलाया उसने? मुझे ऐसे बोला कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा यहाँ पर। फैमिली कहाँ जयपुर में रहती है आपकी? हाँ, फैमिली मेरी यहीं पर ही रहती है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे अलवर बुलाया, अलवर इंटरव्यू के बहाने बुलाया उन्होंने मुझे, लेकिन इंटरव्यू देने के बहाने उन्होंने मुझे होटल ले गए वो लोग ज़बरदस्ती से, जहाँ रवि सेन नाम से वो होटल चलाता था, उसका दोस्त था खास, तो मतलब वो वहाँ पर मुझे लेकर गया। और ना ही तो रवि सेन ने मेरा आधार कार्ड लिया, किसी अन्नू के नाम से मेरा सिग्नेचर करवा दिया था, जब उसकी साहिल ने अपनी ID दी थी। होटल का नाम बताओ। हाँ, DC होटल। अलवर के कौन से इलाके में है? ये 200 फुट रोड पे है, नायरा पेट्रोल पंप के पास में। ये विजय मीणा कौन है? क्या ये दुष्कर्म के आरोप में शामिल है? नहीं सर, ये हमारे नाई समाज के साथ में लगा हुआ है, मतलब ये हम मेरी FIR इधर उधर फैला रहा है, मतलब बिना काम के, कोई रीजन नहीं है इसका। नहीं, अभी चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि उन लोगों को आप सजा दिलवाएं बस। आपने कौन से थाने के अंदर अपने FIR करवाई? ये एनीवे थाना अलवर। उसमें इन सब जो आपने अभी नाम बोले हैं, उन सब नामों को वहाँ पर उन्होंने दर्ज करवाया? जी। कितने दिन पहले आपने FIR करवाई? सर करीब मैंने 5 तारीख को FIR करवाई थी। 5 तारीख को? आज तारीख हुई है 21 हो गई। जी। 16 दिन जी। 16 दिन में आपने और किस किस से मुलाकात की? SP को भी मैंने सूचित कर दिया। अलवर के SP को? जी, CO को भी कर दिया था और SHO को भी कर दिया था। अच्छा, क्या जवाब मिला वहाँ से? अभी कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ से। आपका मेडिकल वगैरह सब हो चुका है सर? मेरा मेडिकल वगैरह जी बिल्कुल। अभी क्या कर रही हैं? अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ सर, अभी फिलहाल तो ये केस लड़ रही हूँ, कुछ भी नहीं, अभी मैं जॉब वगैरह भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी तो नहीं है सर, बट मैं लेके आ सकती हूँ उनको। मैडम आपने जयपुर में कुछ अधिकारी को शिकायत दी इसकी? सर मैंने SP को कर दिया ना इनको। SP से ऊपर हाई लेवल और भी बढ़ते हैं अधिकारी? उनको तो नहीं करी सर, मुझे लगा कि ये लोग कर देंगे तो ठीक, नहीं तो जाना तो पड़ेगा ही। कितनी बड़ी लिखी हैं आप? आपके साथ में और कौन कौन है? अभी तो मेरे साथ में मम्मी है, भैया है, बस। आप कोऑपरेट कर रहे हैं? हाँ। कितनी क्वालिफिकेशन है? 10th पास आउट है मेरी। तो आपने अपने घर पे बताया था जाते वक्त? जी नहीं बताया, नहीं, मुझे लगा कि मैं इंटरव्यू दे के आ जाऊंगी, बट मुझे क्या पता कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जी अपने घर वाले को आप बताए थे कि हम जा रहे हैं? नहीं। फिर कैसे पता लगा करोड़ों को? आज किसी द्वारा बताया? मतलब मेरे घर वालों को, मेरे समाज द्वारा पता चला गया कि आपकी लड़की ऐसे ऐसे काम करती है,
मैंने FIR करी थी, उसके दूसरे दिन ही मेरी फैमिली को पता चल गया था। आपने पता नहीं बताया फैमिली को, क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगा कि सब टेंशन में आ जाएंगे, सब बहुत परेशान है। मम्मी है जो बीमार रहती है एनी टाइम, वो पहले ही शुगर की पेशेंट है, पिताजी है नहीं। जो वीडियो फोटो भी निकाले उन्होंने उनके पास है क्या कुछ आपके वीडियोस फोटोज हैं क्या ऐसे? कुछ भी नहीं है सर, नहीं सर। दिखाई रहा हूँ ब्लैकमेलिंग कर रहा हूँ, धमका रहा हूँ कि मीडिया में आप कुछ की मार मत जाना, ऐसा कुछ सीन ऐसा कुछ है? नहीं, वो फ़ोन कर करके मम्मी को परेशान करते हैं कि आपकी बेटी राजीनामा क्यों नहीं कर रही है, हम समाज सेवक है, एक नहीं तो हम आपको बाहर निकाल देंगे समाज से, मतलब इस प्रकार धमकी दे रहे हैं। चार लोग, एक ही है जी जो वो होटल चलाता है, डीसी होटल जी जी। नहीं, वो उसने किसी किराए पर ले रखा है। हाँ, जिसने आपको बुलाया जी? पहली बार मिली थी? नहीं, फर्स्ट टाइम मिली थी सर मैं। और वो जो आपका फ्रेंड आपको जो लेकर गया है यहाँ से, जो आपका दोस्त है जो आपकी किसी इंस्टाग्राम पर आके जरिए आपकी मुलाकात जी जी, उसने आपको कोऑपरेट नहीं किया, वो आपके साथ नहीं था? नहीं नहीं सर, मैं यहाँ से अकेली गई थी। आपने उसको बताया नहीं कि मेरे को वहाँ पर बुला रहे हैं? वो खुद ही आरोपी है सर, साहिल ने मेरे को अलवरी तो बुलाया था। मतलब साहिल आपका फ्रेंड है? फ्रेंड के जरिए बात करी थी उसने मेरे से। नहीं, जो आपके समाज का है वो गया था ना आपके साथ? वो गया था लेकिन उसने मेरे को कोऑपरेट नहीं किया, होटल तक आपको छोड़ा हुआ? बिल्कुल, वो खुद आरोपी है सर। जयपुर नहीं, सब वही रहते हैं? नहीं, पिताजी नहीं है मेरे, नहीं है।